हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 8 का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टर्म, उसका यहां पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैक ने खुद कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछला साल का क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और पिछला साल का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों का 2023 में फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, उसमें MCQ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म में MCQ क्वेश्चन आया था उसी का यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चाहे आप 2023 में लिखिए या 2024 में एग्जाम दीजिए, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है MCQ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मैथ की ओर, आज हम लोग मैथ का देखेंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ का, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/10। 4/10 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 4/10 को काट देते हैं हम लोग, 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, देखिए 2/5 आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/10। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, सेकेंड क्वेश्चन, 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। भिन्न का यहाँ पर जोड़ है और घटाव भी है, तो भिन्न का घटाव हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का घटाव करेंगे तो हमारे पास -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, 3/-5 गुना -5/3 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए -5 -5 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा 1 इसका आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा जरूर कि इनमें से कितनों का आंसर आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम मतलब जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -5 है, तो बस यहाँ पर +5/9 ये इसका आंसर हो जाएगा, प्लस छिपा हुआ रहता है इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर, 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम है, 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पर 1/2 होगा या फिर -3/8 होगा या 8/3 होगा या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम मतलब अंश का हर, हर का अंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर, 4.5 का वर्ग होगा, 4.5 का वर्ग होगा 20.25। अब बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर, √8100 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 90 इसका आंसर हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है और 00 है उसके लिए 10, तो यहाँ पर 90 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला 8 नंबर की ओर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका फाइनल एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का भी हो सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो वो सब्जेक्ट है इसलिए वो एक ही लैंग्वेज में रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्ण घन है, कौन सी पूर्ण घन है, 1000 पूर्ण घन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर, 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल 5 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर, 1024 इसमें से किसके बराबर है, 1024 2 का घात 10 के बराबर है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर, -7^3 यानी कि -7³ का मान क्या होगा, तो यहाँ पर -7 × -7 × -7, 3 बार -7 को गुना कर देंगे तो -343 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, -343। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2/3x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर जो संख्या है वही x का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 12 नंबर सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर, 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघाती बीजीय व्यंजक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, x²-1। अब देखिए 14 नंबर, 5x² के समान पद है, 5x² के समान पद यहाँ पर -7x² है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए,
बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल क्या होता है? ये तो एक फॉर्मूला है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर, 5x प्लस 10y का गुणनखंड क्या होगा? इसको गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 5 इंटू एक्स प्लस 2y इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर, 17 नंबर का क्वेश्चन है 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 3 का हल होगा, इसको हल करने से क्या प्राप्त होगा? तो इसको हल करेंगे तो 5/3 हम लोगों को प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर, 18 नंबर का क्वेश्चन है यदि एक आयरन 360 रुपये में बेचा गया तो 10% हानि होती है, यदि वह 450 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ पर 12.5% का लाभ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अब देखिए 19 नंबर, किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपये था, बिक्री कर की दर 12% है, बिल का देय राशि ज्ञात कीजिए, बिल की देय राशि ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बिल की देय राशि 392 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, 350 का 12% निकाल लेना है, उसके बाद 350 में जोड़ देना है। अब बढ़ते हैं अगला 20 नंबर की ओर, अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 उधार लिए, डेढ़ वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 285, इसे आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर, P/7 = 24, P/7 = 24 है, तो इसका मान निकालना है, यानी कि पी का मान निकालना है, तो पी का मान 7 × 24 कर देंगे तो 168 हो जाएगा, 168 इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर, 22 नंबर का क्वेश्चन है 51.84 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 7.2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर, -7 / -5 में -5 क्या कहलाता है? -5 को क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग घातांक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर, 24 नंबर का क्वेश्चन है x-3 और 12 + 2x का योगफल क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 3x + 9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर, -32x^4 / 8x^2 का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए -32x^4/8x² हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज कर दूँ आपको समझ में आएगा, 8 × 8 = 8, 8 × 4 = 32, -4 आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 4 बार है तो 2 बार कट जाएगा, x² बचेगा, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -4x² -4x² कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर, निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? तो 11 का वर्ग करेंगे तो इकाई 1 ही होगा, 11 को 11 से गुणा कर देंगे तो 121 हो जाता है, इकाई में देखिए 1 मिलेगा आपको। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 27 नंबर, 27 नंबर का क्वेश्चन है 5 × x + 4 = 9 × 4x - 5 को हल करने पर एक्स का मान होगा, एक्स का मान क्या होगा बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 65/31, x = 65/31 आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर, 4a - 6/2 का मान होगा, तो इसका मान होगा 2a - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a - 3 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर, यदि a = -1 और b = 2 है तो a^b / b^a का मान क्या होगा?
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर चौथा, एक पूर्णांक 1/2 यानी कि डेढ़ इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक पूर्णांक 1/2। अब बढ़ते हैं अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर देखिए, 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा, 15x² y का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 3 × x × x × y, ये अभाज्य गुणनखंड होगा। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 13^0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 13^0 हो या फिर 1000^0 हो या फिर 9^0 हो, किसी का भी घात 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, 4x + 5 बीजीय व्यंजक है, ये कैसा बीजीय व्यंजक है, तो द्विपदी बीजीय व्यंजक है, दो पद है इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर, 8/27 का घनमूल क्या होगा। घनमूल यानी कि इस तरीके से घनमूल 8/27, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 2/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर, 34 नंबर का क्वेश्चन है, 3x - 12 का गुणनखंड होगा, 3x - 12 का गुणनखंड, 3 × x - 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर, x² - 1 में से x - x² घटाने पर प्राप्त होगा, यहाँ पर x² - 1 इसमें से हम लोग घटाएंगे 1 - x² इस तरीके से, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा 2x² - 2, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला, ये पिछला नंबर 35 था, तो हम लोग 36, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा है बट मैं इसे पढ़ के सुना सकता हूँ, 2a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा, ये भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है, 2ab + b², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b² क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसलिए इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, a - b × a - b, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, a - b × a - b। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो 63 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 38 नंबर देखिए, 2 - a, x + 3 और 3x का योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल होगा 5 - a + 4x। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर, -3m को -m² + 2n से गुणा करने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 3m³ - 6mn। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर, 1 - y, y + 5 और 4x का योगफल क्या होगा, ये तो एग्जैक्ट 38 नंबर के जैसा क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4x + 6, ये इसका योगफल होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 40 नंबर, 40 नंबर देखिए, 2^0 + 3^0 का मान क्या होगा, तो 2^0 = 1, 3^0 = 1, और एक को जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर, 42 नंबर का क्वेश्चन है, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, 108 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर, 3xy + 2x + 3 एवं 3 + 3xy + 2 का अंतर होगा, इसका क्या अंतर होगा, यानी कि अंतर मतलब माइनस, माइनस करेंगे दोनों को तो क्या होगा, ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर बीच में माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x + 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर, 92 का घात 2 - 8 का घात 2
का सही मान क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करने से 8400 आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। यदि एल बराबर 2 एम बराबर 3 है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या होगा, सोल्व करने से 13 इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड करेंगे हम लोग तो पी माइनस 5 इंटू पी माइनस 5 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे यानी कि इसको एक साथ लिखेंगे तो पी माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा, बट ऑप्शन में कहीं पर भी ये दिख नहीं रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आंसर जो मैंने निकाला है ये होना चाहिए या फिर ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें से कोई एक होना चाहिए। आप मुझे अपना राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का सार्वगुणनखंड है, तो इसका सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर ए बी हो जाएगा। सब में देखिए ए बी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 के लिए विकल्प सही, कौन सा विकल्प सही है। देखिए दो बार x माइनस 5 है गुणा के साथ तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर। 3x प्लस 2x प्लस 3 एवं 4x माइनस 3x प्लस 4 का योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या को 5 से गुणा कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x हो। देखिए तो यहाँ पर 5 से गुणा करना है तो 5 से x को गुणा कर देंगे, 3 घटाना है तो उसमें से हम लोग 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 17 मिलेगा, बराबर 17 ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 5x माइनस 3 इजिकल टू 17। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 8 का 2022 का जो फर्स्ट टर्म हुआ था उसका यहाँ पर हम लोग मैथ का क्वेश्चन के साथ आंसर देखें। ये सभी मैथ जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है या फिर आप 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा और साथ में वीडियो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।